तो अब हम बताएंगे कि कैसा समाज का ठीक है दाना इतना बेबस हो तो बुराई नहीं मानी बहुत जन्नत का क्या कहते हैं मानी अच्छा मैं और मानी हम दोनों बहुत एक्सप्रेसिव हैं फरा तो जानती है गलती तो होता है कि हम दोनों बहुत एक्सप्रेसिव हैं मैं और मानी और हम दोनों ही जो हैं वो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा कपल है हाँ हम एक्सप्रेस इनफैक्ट मैं इन रियलिटी में भी ना बड़ी एक्सप्रेसिव हूँ इमोशंस बहुत है मेरे अंदर तो वो रियल में भी है सिर्फ टीवी पे नहीं है अच्छा असल में क्या था करीना और कतरीना दोनों जो घर में इकट्ठी है इकट्ठी ब्लेंडेड क्या अच्छा हम भूल गए थोड़ा सा पैरोडी भी तो करती हो इतना अच्छा है तो ठेस के आज आप प्लेटफॉर्म से यहाँ पे हमारे पास हैं रबाब बन के मैं खाना पकाऊं हाँ रबाब बन के खाना चलो डायरेक्शन दे काशिफ सारे काशिफ क्या संजय किशन का सीन हो रहा है तो क्या चलेगा यहाँ पे ऑयल डाल दिया नहीं ऐसे नहीं भाई आप वो नहीं वो पहले तैयारियां होती है तैयारी होती सीन की अच्छा नहीं नहीं रिहर्सल होती है लेट्स सी के जुनेद आप ना शक कर रहे हैं हिरा के ऊपर मुझे आपका फेवरेट लगता है ये सीन एक दो थे जिसमें यंग एंग्री यंग मैन क्योंकि मैं मुझे तो जुनेद जब भी मिला है ना बहुत प्यार करने वाला मिला है अच्छा हाँ जुनूनियत नहीं चलो होगा चलो चलो अशर के क्या एक्टर में मेरे बाबू तो हमें शादी हो चुकी है या नहीं नहीं अभी होनी है अभी होनी है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं या क्या सीन है वही जो जो क्या है ठीक है मतलब मैं पसंद काशी प्यार आप नहीं बनते चलें अच्छा ठीक है तो क्या मैं आता हूँ क्या करिए इतनी देर से मुझे अजीब लहसुन की स्मेल आ रही है तुम क्या बना रही हो तुम पीछे हो जाए आपको ठीक कर दो पानी कहाँ है ग्लास नहीं कोई काम तुमसे ठीक से होता भी है लहसुन जल जाएगा लहसुन की फिक्र है तुम अच्छा सुने आप क्या बना रही हो प्रॉन कितनी देर में बनेंगे बस 10 मिनट जल्दी लेके आ सुने क्या है आपको मेरी हर चीज से इतनी परेशानी क्यों मैंने कब कहा मुझे परेशानी तुम्हारी किसी है आपको है अरे वाह अच्छा हमें समझ आ गई इस सीन से हमें समझ आ गई है कि कौन किसको ठेस पहुंचा रहा है यू हैव सेड इट ऑल सुने ठीक है एक बड़ा रिवायती किरदार जो है ना ये वो हमारे सामने आया हाँ भी डाले ना तो ये ऐसे ही डालने बंद कर देते हैं इसके नीचे आग इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं फरा इसको सारे डाल लें ठीक है सब डाल के डाल के ताकि सारे पटाखे मार लें एकदम इसको हिला दोगी तो हिला दोगी तो जिन्हें हिला दो वो हुसैन लहर का मैंने जोड़ा पहना हुआ है मेरा अपना होता तो फिर मसला नहीं तो मुझे ही पता है अच्छा कुछ जला दें आग को अच्छा जुनेद मैंने आपसे एक और फरमाइश भी की थी कि ये जो खत का अक्स है ना पीछे ये थोड़ा सा पढ़ दे हमें आप अपनी आवाज अपनी खूबसूरत आवाज लिखो ये खत पता नहीं किसी और का किसी और का खत लिखा होगा लेकिन देख लेते हैं इसमें क्या लिखा होगा मुझे बड़े अच्छे लगे इसकी कुछ चीजें बड़ी क्लासिक है जो रिवायती खत होते थे ना वो उठाए मेरे प्यारे गुलजेब गुलजेब कौन गुलजेब वो मैं हूँ खान हम हाँ गुलजेब पढ़ दूँ आगे पढ़ दूँ क्या नहीं हाँ पढ़े हाथ में लोटा मुंह में बादाम क्या खत खत लिखने वाले तुझे मेरा सलाम हाँ तुझे मेरा सलाम क्या बात है और यही खान साहब जो है खत पढ़ने वाले हाँ क्या लिखा है वन ये जीएन लव क्या होता है जीएन लव भी एक लिखा है जीएन लव गुड नाइट लव गुड नाइट गुड नाइट लव मेरा नहीं गुड नाइट लव कैसा लगा हूँ अच्छा ना मुझे पता था तुम्हें पोएट्री बहुत अच्छी लगती है तुम मेरे जज्बात देखा करो राइटिंग नहीं आज ये खत बहुत दिल से लिखा बहुत दिल से लिखा है और नीचे वाला पढ़ो असीरियल बाय काशिफ से नहीं 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 ये लाइन पढ़ो ना ये तुम सोच नहीं सकते तुम सोच नहीं सकते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ करती हूँ दुनिया की सारी मोहब्बतें एक जगह मेरा प्यार उनसे ज्यादा है हाँ इस तरह कुछ है फिर होम इकोनॉमिक्स का भी जिक्र है कुछ कल हमारा है होम इकोनॉमिक्स का पेपर है मैथ्स में उसने कुछ भाई क्या क्या उसने लिखा है कल हमारा होम इकोनॉमिक्स का पेपर है मैं अम्मी के हाथ दे भेजूंगी मतलब जुनेद आपको ऐसे कितने खत आएंगे
नहीं मैं उस मैं उस जमाने से हूँ कि जहाँ खत खत्म हो गए थे और मैसेजेस शुरू होना शुरू हो गए, फोन कॉल पीटीसीएल शुरू हो गया था. अच्छा. और कभी किसी ने खत किसी फैन ने खत नहीं लिखा? जिस तरह मैं मानी के पीछे पड़ गई थी कि मुझसे शादी करो, मुझे करनी है ट्रैप, क्या मैंने मानी को कोई ऐसी फैन नहीं. दोबारा से जिस तरह मैं मानी के पीछे पड़ गई थी कि मुझसे शादी करो, मर जाऊंगी, हार्ट अटैक लूंगी, ये वो, तो इस तरह की कोई फैन कभी पीछे पड़ी? नहीं. देखें, जो भी फैंस इस तरह की कोई बात करती हैं शादी से पहले, जो नहीं कभी भी कहती करती हैं, ऑफ कोर्स आप मोहब्बत में कर रही होती हैं, आपके आपके जो कैरेक्टर से कर रहे होते हैं, तो मुझे ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई उनको वो नहीं समझता, लेकिन ये कि जिस बात तो हर किसी में होते हैं, और हम एक्चुअली जब प्लेस कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही रियलिस्टिक ही होके बता रहे होते हैं, लोग रिलेट कर रहे होते हैं उनके एक्टर्स के साथ. मैं बता सकता हूँ कि जुनैद के लिए जितने लोग आते हैं मिलने बहाने से, कि वो मुझे बाद में पता चलता है कि मुझसे मिलने नहीं आई थी, कि जुनैद की वजह से सेट में आई थी. मुझे भी तो बताना था. जुनैद ये वाला शेर पढ़े. अच्छा. किसी बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए. क्या बात. वेरी गुड. अच्छा, कढ़ाई की तरफ आए? नहीं, कढ़ाई मुझे नहीं है. क्या क्या करने लगी थी? कौन कढ़ाई? सर, इसका पानी प्लीज किस निकाल हम निकालेंगे? हम निकाल देंगे. ये असल में फीस थे थोड़े, तो हमने फीस नहीं लेने थे. नहीं, ये खुद ही ड्रा हो जाएगा. तो ये कराची में मिलते होंगे इतने फ्रेश लोहे, आपके हाथ हाथ ना जल जाएंगे. नहीं मिलते यार, अब आदत होगी हुई है. अब इसी पानी का. अब वो शादी से पहले मुझे याद है ना कि हम जब शादी में जाने से पहले तैयार हो जाते थे तो पानी भी नहीं उठ के पीते थे कि लिपस्टिक खराब हो जाएगी कपड़ों में. अब तो वो शादी पे या कोई इवेंट पे अवार्ड में जाने से पहले इब्राहिम को वॉशरूम में वो भी साफ कर रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, तो हर चीज चल रही होती है. ठीक है, वेरी गुड. हो जाते हैं शादी के बाद. अच्छा, ये खातून के लिए खासतौर पे तालियां होनी चाहिए, इससे कि इसने अपना करियर जो है ना, वो जिसे कहते हैं एक गलत नहीं, मुख्तलिफ सेंस से शुरू किया. लोग शादी करते हैं, लोग शादी करते हैं और छोड़ देते हैं, या शादी करने के लिए करियर छोड़ देते हैं. इसने शादी की और बच्चे हुए और ये हीरोइन. सही है. आई थिंक इसने भी सही किया, किसने बच्चों को अपने उस स्टेज पे, उस एज की उस स्टेज पे ला के, जहाँ पे वो खुद अपने आप को संभाल सकते हैं उस लेवल तक, वहाँ पे ला के फिर से शुरू किया. और बाकी क्रेडिट जाता है, जो माएँ ऐसी हैं जो कि बच्चे भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, काम भी करती हैं, उनको उनको सलाम है वाकई. बिल्कुल. अच्छा, मैं सारी क्रीम डाल रही हूँ अंदर. मेरे ख्याल में सब कुछ घोल के जो है ना, हीरा ने हमें खिला देना है. अच्छा हीरा, कितना टाइम मिलता है आजकल इतने बिजी उसमें काम करते हुए, किचन को भी संभालने का, देखने का, और कितने खाने वाकई घर में बनाते हैं? फरा, मैं संडे वाले दिन कुकिंग करती हूँ, और हर दिन शूट से जाके अंडा पराठा मेरे बच्चे मेरे हाथ से खा के रात को सोते हैं. रोजाना रात को? एवरी नाइट. अच्छा. हाँ, यानी आप सुबह का नाश्ता उन्हें रात में करा देते? सुबह का नाश्ता बहुत अलग होता है. अभी से खा लो. नहीं, सुबह जो है वो कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, लेकिन रात को उनको एक अंडा पराठे की आदत है, वो मेरे हाथ का क्रिस्पी पराठा होता है, अंडा होता है. तो सारा दिन बेचारे वेट करते होंगे, अम्मा आएंगी हम अंडा. सारा दिन इतना बिजी, उनको मानी ने कर दिया है, और उनको ट्यूशन सर है, फिर फुटबॉल खेलने जाते हैं, फिर गाई साहब आते हैं, तो उनको याद करने का टाइम नहीं मिलता. इनफैक्ट जैसे मैं अब घर में होते कहते हैं मामा आप इतनी स्ट्रिक्ट है ना, आप घर पे प्लीज ना ही हुआ करें, आपने जाना नहीं है शूट पे. अब वो ये कि इतना मैं काम करने लगी तो ज्यादा गिल्ट पैदा हो गई है. ये एक चीज है, जब मैं घर पे होती थी ना तो मैं उल्टी पड़ी होके कभी फिल्में देख रही हूँ, कभी बिल्कुल आप इतना वो, लेकिन जब से काम कर रही हूँ ना तो फर्क ज्यादा लगता है कि मासी को भी चेक करना है, बच्चे भी सही पढ़ रहे हैं, ज्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ. हम सीन करने के लिए वेट कर रहे होते थे और ये फोन पे मासी के साथ लगी हुई. अच्छा, करीमा बाजी. जहाँ करीमा बाजी के बाद मैंने कहा अभी आधा घंटा रुक जा, करीमा बाजी ऑनलाइन है. करीमा बाजी ज्यादा इम्पोर्टेंट करीमा बाजी है. अच्छा, करीमा बाजी को मैंने एक दिन दिए 12 अंडे. करीमा बाजी से अंडा ही नहीं फ्राई हो रहा है, तो एक दिन 12 अंडे दिए. मैंने कहा प्रैक्टिस करें आप, और ये 12 के 12 आपने सही, 12 के बाद तो सीख ही लेके ना. हाँ, हाँ. उसके बाद फिर उन्होंने अंडा सही नहीं बनाया. 12 जाया वो जो है एक था. और मजे की बात, 12 अंडे
उनको बनाना सिखा रही है हमारे सेट पे और हम नहीं वो फोन पे दिया जा रहा था हमारी ऑडियंस बैठी हुई है।